आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट अ सर्टेन प्लेस। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर एंड अ स्टॉप वॉच विद 1 second रेजोल्यूशन मेजर्स द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस टू बी 50 seconds। द एक्यूरेसी इन जी इज, तो भाई मुझे जी में एक्यूरेसी निकालनी है या फिर मैं ये बोल दूं कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो मुझे पता है 2π√L/g होता है। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो t² = 4π²L/g आ जाएगा, ठीक है, या g को मैं लिख सकता हूं 4π²L/t², ठीक है। अब हम एरर में क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा और क्रैश कोर्स में भी अगर आपने पढ़ा है तो मैंने बताया था कि जो एरर होती है वो हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो एरर जो होती है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होती है या फिर एक्यूरेसी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम लिखते कैसे हैं, डेल्टा जी अपॉन जी इनटू 100, ठीक है, यानी कि जी में एरर डिवाइडेड बाय जी की रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 बराबर आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, एरर आएगी इन दोनों में, ठीक है, एल में और टी में। तो डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100 प्लस, अब देखो एरर हमेशा जुड़ती है, आपने लॉगरिथम लेके करने की कोशिश की होगी सवाल को और लॉगरिथम से आप क्या कर लेते हो, जनरली माइनस ले लेते हो, लेकिन मैं आपको बताया कि एरर हमेशा ऐड होती है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम मैं निकाल रहा हूँ और ये ऐड ही होगी, तो आ जाएगा 2 times delta t/t। अगर आप लॉग लेके करोगे तो देखो ये आता आपके पास -2 delta t/t, लेकिन एरर हमेशा ऐड होती है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव, ये चीज आपको याद रखनी होती है। अब भाई आगे अगर मैं चलूं, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है हमें, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब देखो भाई बात समझने की कोशिश करो, ये तो जी की एक्यूरेसी होगी, यही तो फाइंड करनी है। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है अपने पास में जो एल है, यानी कि जो लेंथ है ना पेंडुलम की लेंथ है, उसमें गड़बड़ी यानी कि एरर की संभावना, या बोल सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट होगा, जो भी स्केल से हम मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उतनी ही तो मैक्सिमम एरर आ सकती है, ठीक है, मतलब उतनी ही एरर आ सकती है, उससे ज्यादा तो, मतलब उससे कम एरर तो आ नहीं सकती, उससे कम एरर तो आ नहीं सकती, लीस्ट पॉसिबल एरर वही होती है जिसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो देखो भाई अपन ने इसको मेजर किससे किया है, हमने इसको मेजर किया है सेंटीमीटर स्केल से, और सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। क्या इससे छोटी वैल्यू आप सेंटीमीटर से स्केल से नाप सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई, इसका देने का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ये मेजर किया गया है वो एक सेंटीमीटर स्केल से किया गया है, और सेंटीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो भाई मैं लिखूंगा 0.1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है, ये दी हुई 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 टाइम्स। अब जो स्टॉपवॉच है उसका भी लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है 1 second, तो यहाँ पे आएगा 1 second, वन रेजोल्यूशन 1 second दिया हुआ है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना आएगा 1 second, और टोटल वैल्यू जो है वो है 50 seconds, ठीक है। हालांकि 40 ओसिलेशन के हम यहाँ से एक चक्कर का टाइम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे टोटल यानी कि ट्रू वैल्यू लिखनी है और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। अब देखते हैं भाई क्या अपना आंसर आता है, देखो ये 4 times कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0.4 प्लस ये आ गया अपने पास में 4, यानी कि जो टोटल आंसर आया वो आया 4.40%, ठीक है, तो ये परसेंट में आ गई एक्यूरेसी जी में, तो 4.40% ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।